तो इंजन शाइन आप देख सकते हैं कि इंजन मस्त चमक गया एकदम। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र, और आज हमारे पास है बुलेट 350 एक्स मॉडल जो कि है किक स्टार्ट मॉडल। एंड आज इसको ना फुल्ली शाइन करने वाले, एकदम मिरर फिनिश है, शाइन जो आता है ना वो आज इसको करने वाले हैं। बिकॉज इसमें आता है इंजन ड्यूल टोन, मतलब इसमें आपको क्रोम भी मिल जाता है एंड ब्लैक भी मिल जाता है, दोनों टोन मिल जाते हैं। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कि ब्लैक इंजन को कैसे शाइन कर सकते हैं, तो आज ब्लैक इंजन को कैसे शाइन करते हैं वो आज दिखाने वाला हूँ। एंड जो टैंक जो देख रहे हैं ब्लैक कलर जो होता है ना वो ज़्यादा डस्ट कैच करता है, तो उसका एक्चुअल में मिरर फिनिश जैसा कैसे फिनिश कर सकते हैं ना वो भी दिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कैसे करते हैं ना एक्चुअल में क्लीनिंग क्विकली वो आपको आज पता चल जाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये इंजन, आप देख सकते हैं इंजन की जो कंडीशन है, वाइट वाइट स्पॉट पड़ गए हैं हर जगह पे, तो वो आज एकदम क्लीन करेंगे अच्छे से। एंड टैंक भी अच्छे से मिरर फिनिश देंगे। वैसे तो ये गाड़ी नई है, कुछ ऑलमोस्ट 3800 किलोमीटर्स के आसपास चली हुई है, बट बहुत जगह क्लीन करने के लिए है। व्हील है, आप देख सकते हैं रेयर में भी स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, इस साइड में आपको दिखाता हूँ मैं, तो इन सब जगह पूरा क्लीनिंग होगी आज। तो चलिए जल्दी से क्लीन करता हूँ एंड बताते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्लीन करने वाले हैं इंजन, बिकॉज इंजन जो है अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, कंपेयर टू अदर पार्ट्स जो हैं इंजन का पार्ट बहुत बेकार लग रहा है। तो इसको सबसे पहले करने वाले हैं, इसके लिए यूज़ करने वाले हैं ये इंस्टेंट पॉलिश, जो कि मैंने पहले बता रखा है कि आप इंस्टेंट पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से क्लीन करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे इसकी शाइनिंग आती है। तो इंजन शाइन आप देख सकते हैं कि इंजन मस्त चमक गया एकदम। अब बारी आती है बॉडी की, बॉडी को करते हैं चलिए। तो अब करने वाले हैं टैंक को क्लीन, टैंक ऑलमोस्ट क्लीन है, डस्ट जो है फिंगरप्रिंट्स और बाकी वाटर मार्क्स इस पे लग जाते हैं हल्के, तो उसको क्लीन करने के लिए अभी मैं करने वाला हूँ ये वेवैक्स का वैक्स, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छा यूजफुल है। कैसे करते हैं इसको अच्छे से बफ करना होता है लगा कर, तो इसको कैसे करते हैं वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यूज़ करते हैं इसको। फर्स्ट माइक्रोफाइबर क्लोथ, हमेशा टैंक और बाकी जो मेटल प्रिंट है ना सभी के लिए आप माइक्रोफाइबर क्लोथ ही लीजिए, पहले उसको एक बार क्लीन कर लीजिए जो डस्ट है वो ऊपर से निकल जाए, ताकि जब आप इस पर वैक्स लगाएं तो वो डस्ट उसके साथ ही ना चिपके, फिर वो बेकार लगता है। ये हो चुका है, अब इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे ये थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी लीजिए, एंड अब इसको हल्का हल्का सा रब करना है, बफ आप करते रहिए, घुमाते रहिए इसको अच्छे से, हर एक एरिया पे इसको स्प्रेड कर दीजिए, हर जगह इसको स्प्रेड कर दिया है। अब कम से कम आप 2 से 3 मिनट रुकिए इसको करने दीजिए, तब तक बाकी एरियाज में हम करते हैं एंड फिर इसको पूरा क्लीन करेंगे एंड शाइन करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको रहने देते हैं, बाकी एरियाज में भी लगाते हैं। तो हर जगह पे लग चुका है, अब हम करने वाले हैं इसको क्लीन रफ, थोड़ा सा को रब करेंगे अच्छे से, बफ करेंगे इसके ऊपर, ताकि जो शाइनिंग है ना वो उभर के निकले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तो आपको नई शाइन मिल रही होगी, बट अभी मिरर शाइन आपको देखने को मिलेगी। तो देखा आपने, ये शाइनिंग देखी आपने, एकदम टोटली मिरर फिनिशिंग इसमें आने लगी है। अब मैं यहाँ पर हाथ हिला रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज भी आ रही है उसके ऊपर, हाथ की इमेज भी अच्छे से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर टी शर्ट पहना हुआ है तो वो भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो ये फिनिशिंग है, सभी को क्लीन करते हैं फिर मैं दिखाता हूँ उसका रिजल्ट कैसा आता है। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्लीनिंग को लेके, बिकॉज क्लीनिंग आपने देखी बहुत ईजी है, 15 मिनट का टाइम अगर आप निकालते हैं ना तो आप ईजिली अपनी गाड़ी को टोटली क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं या फिर मॉर्निंग में आपके पास उतना टाइम नहीं होता, 5 मिनट का टाइम होता है, तो यूज़ इंस्टेंट पॉलिश, आप इंस्टेंट पॉलिश से सारे बॉडी को क्लीन कर सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो, ठीक है। और वैक्स जो होते हैं ना, वैक्स जो होते हैं वो एक तरह के प्रोटेक्टर भी होते हैं, जिससे कि आपका जो पेंट रहता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड उस पर एक प्रोटेक्शन लेयर भी बन जाती है। एंड
दूसरा जो प्रोडक्ट था हमारा वो ये इंस्टेंट पॉलिश। इंस्टेंट पॉलिश आपको इंस्टेंट साइन दे देता है, ठीक है। टायर पे यूज़ कर सकते हैं, इंजन पे यूज़ कर सकते हैं, इवन पेंट पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पार्ट पे आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक अ शाइनर होता है, ये प्रोटेक्टर नहीं होता है। ये आपको एक इंस्टेंट साइन दे देगा बट प्रोटेक्शन नहीं करेगा। प्रोटेक्शन के लिए आपको वैक्स या दूसरे जो पॉलिशेस आते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। और ऑलवेज ऑलवेज यूज़ माइक्रो फाइबर क्लोथ ताकि आपको जो स्क्रैचेस है ना वो क्लोथ की वजह से ना लगे। तो दोस्तों आई होप आपको मैक्सिमम डिटेल एकदम क्लियर हो चुकी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दे दूंगा बाय लिंक, और भी प्रोडक्ट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, देखते रहिए ब्लड ग्रुप, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती रहेंगी। बाय।